नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। एंडोक्राइन ग्लैंड के अगले वीडियो में आज अपन जो कुछ अदर ग्लैंड बच गई और अदर भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो हैं शरीर के कुछ अंतःस्रावी अंग भी होते हैं जिनके द्वारा हार्मोन का सीक्रेशन किया जाता है, उनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। एकदम सरल चीजें हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपने अब तक क्या समझा कि एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर सबसे पहले अपने हाइपोथैलेमस लिया था। हाइपोथैलेमस के आपके पास में 10 हार्मोनों के नाम आपको याद रहने चाहिए। उन 10 हार्मोनों से ही क्या है, आपके 7 नाम निकल के आ जाएंगे अगर आप उनमें RH और IH हटा दोगे। तो क्या निकल के आ जाएंगे? निकल के आ जाएंगे पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन। पिट्यूटरी ग्लैंड के भी कौन से? एडिनो हाइपोफाइसिस पार्ट के आ जाएंगे। बचेंगे कौन से? न्यूरो हाइपोफाइसिस पार्ट के। वो न्यूरो हाइपोफाइसिस के 2 कौन से बचेंगे? वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन। जो बनाता कौन है? हाइपोथैलेमस। और स्रावित किसके द्वारा किए जाते हैं? यहां पर जरूरत के समय आपके न्यूरो हाइपोफाइसिस द्वारा सीक्रेट किए जाते हैं। 7 नाम आपको वहां पर याद रख लेने हैं। किसके द्वारा? आपके एडिनो हाइपोफाइसिस के द्वारा। एडिनो हाइपोफाइसिस के द्वारा पार्स इंटरमीडिया के द्वारा एक सिंगल हार्मोन MSH और बाकी 6 हार्मोन जो कांक के द्वारा स्रावित होते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस के मेन पार्ट के द्वारा। आई बात समझ में? उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा था? ब्रेन के अंदर ही पीनियल ग्लैंड है। पीनियल ग्लैंड है, उससे कौन सा हार्मोन स्रावित होगा? पीनियल ग्लैंड है, उससे कौन सा हार्मोन स्रावित होगा आपको ध्यान रखना है। उसके मेलाटोनिन, उसके बाद में आपको कौन सा है? थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड याद रखना है। थायराइड ग्लैंड से संबंधित 3 हार्मोन थे T3, T4 और कैल्सिटोनिन। पैराथायराइड ग्लैंड से पैराथार्मोन था जो कि कैल्सिटोनिन के विपरीत कार्य करता है। ये मोटी मोटी बात अपन ने जानी थी। थाइमस ग्लैंड तक पहुंचते हैं, थाइमोसिन हार्मोन सीक्रेट होता है। उसके बाद पैनक्रियाज तक पहुंचते हैं तो पैनक्रियाज में 1% एंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में काम करती है जिससे आपके इंसुलिन है, ग्लूकागोन, इंसुलिन और सोमेटोस्टेटिन 3 हार्मोन यहां पर सीक्रेट हो रहे हैं। उसके बाद अपन ने कल पढ़ा था एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड के जो भाग कौन से हो गए? एड्रिनोकोर्टेक्स है, मेडुला, मेडुला से एड्रिनलिन और नोरएड्रिनलिन, कोर्टेक्स पार्ट से मिनरलोकोर्टिकॉइड से थायक हार्मोन, ठीक है, कौन सा? मिनरल एल्डोस्टेरोन। उसके बाद में कौन सा? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड से कोर्टिसोल। और फिर आपके तीसरा भाग है जिसको गोनेडोट्रोपिक पार्ट बोलते हैं, उसके द्वारा कौन सा? सेक्स हार्मोन। सेक्स हार्मोन में 3 कौन से? एंड्रोजन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। आई बात समझ में? ये हार्मोन अब तक मैंने आपको सारे रिपीट करवा दिए। आपके दिमाग में पिट्यूटरी ग्लैंड वाले 6 है और हाइपोथैलेमस वाले 10 याद रहने हैं आपके दिमाग में, वो रहने चाहिए याद, ठीक है। अब देखो अगली जो ग्लैंड है वो टेस्टिस और फिर ओवरी, रिप्रोडक्टिव पार्ट से संबंधित है। जस्ट इस पार्ट की अगली यूनिट रिप्रोडक्टिव, अगला जो चैप्टर है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वाला है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ही है। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अपने को अगले पार्ट में पढ़ना है तो यहां पर उस ग्लैंड के बारे में ज्यादा डिटेल नहीं जानेंगे क्योंकि टेस्टिस और ओवरी अपने को डिटेल में पढ़ना है, तो वहां इस ग्लैंड के बारे में सारा आ जाएगा। प्लस वहां भी अपन अगर स्किप करें तो अपने को यूजी लेवल के ऊपर डेवलपमेंटल बायोलॉजी पढ़नी है और डेवलपमेंटल बायोलॉजी में आप रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़े बिना डेवलपमेंटल बायोलॉजी पे नहीं पहुंच सकते। तो सबसे पहले आप मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, इन दोनों को पढ़ोगे, उसी के द्वारा फिर आपको स्पर्मेटोजेनेसिस और ओजेनेसिस की प्रोसेस समझ में आएगी, उनके बाद में आप पर्टिकुलर डेवलपमेंटल बायोलॉजी में आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो इनमें कहीं ले लेंगे, आज यहां पर लेने की आवश्यकता नहीं है टेस्टिस और ओवरी को। अभी इतनी बात याद रख लो आप, क्या याद रखो कि टेस्टिस के द्वारा जो सीक्रेट हो रहा है वो मेल सेक्स हार्मोन एंड्रोजन्स, एंड्रोजन्स वैसे 2 हार्मोन का समूह है मुख्यतः, टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोस्टेरोन, पर मुख्यतः अपना टेस्टोस्टेरोन ही ध्यान में रहता है और ये याद रखना है। फीमेल के अंदर ओवरी में फीमेल सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का सीक्रेशन होता है। अब आप कहोगे सर कल तो आपने बताया था कि ये एड्रिनल ग्लैंड के जो तीसरा पार्ट है उसके द्वारा सीक्रेट हो रहा है, ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड का जो जोना रेटिकुलेटा पार्ट है उसके द्वारा जो गोनाडोट्रोपिक हार्मोन रिलीज हो रहे हैं उन्हीं को सेक्स हार्मोन बोल रहे थे, उन्हीं में आपने 3 नाम बताए थे, क्या? एंड्रोजन है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, वहां पर थोड़ी मात्रा में सीक्रेशन होता है।
मुख्य ये जो हार्मोन है वो इन्हीं टेस्टिस और ओवरी के द्वारा सीक्रेट होंगे, वहां पर थोड़ी मात्रा में सीक्रेट होगा। ऐसे तो प्रोजेस्टेरोन यहां भी सीक्रेट होता है, किसके द्वारा? ओवरी के द्वारा, और प्रोजेस्टेरोन प्लेसेंटा के द्वारा भी सीक्रेट होता है। गर्भावधि को है बनाए रखने के दौरान जो प्लेसेंटा लगातार प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट करेगी, जिससे क्या होगा कि गर्भावधि बनी रहेगी, ठीक है, आपके जो है समय से पहले बच्चा जो गर्भाशय भित्ति से हटेगा नहीं, ठीक है, ये वाली स्थिति आपको याद रखनी है। तो मैन इन्हीं से सीक्रेट होंगे, पर कुछ मात्रा में वहां पर भी सीक्रेट होते हैं द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करने के लिए। तो टेस्टिस और ओवरी को डिटेल में अपन पढ़ेंगे वहां पर। तो यहां आप केवल इतना लिख दो, और ये बात लिख भी सकते हो कि डिटेल स्टडी आपको भी पढ़ना ही यही है। अगर आपके टीचर ने भी एंडोक्राइन ग्लैंड यहां पढ़ा दी तो इस टॉपिक को यही छोड़ देना। आपने कहीं कोचिंग वोचिंग ज्वाइन कर रखी है तो आप क्या करना, इस टॉपिक को वहां पढ़ना जब आप डेवलपमेंटल बायोलॉजी पढ़ो, वहां से जोड़ के रहना कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा, स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा, ओजेनेसिस पढ़ा, फिर फर्टिलाइजेशन है, क्लीवेज है, बाकी सारी चीजें वहां पर आपको रीडिंग मारनी है, तो इजीली हो जाएगा वहां पर काम। आगे देखो, अब कुछ अदर एंडोक्राइन ऑर्गन भी होते हैं, कुछ शरीर में अंतःस्रावी अंग भी होते हैं जिनके द्वारा भी हार्मोन का सीक्रेशन होता है। ग्लैंड तो यही है, जो नोपन ने पढ़ी ग्लैंड तो यही है, परंतु कुछ सीक्रेशन और होते हैं अंगों के द्वारा। उन अंगों के अपने को नाम पता है और अपने को सीक्रेशन पहले पढ़ चुके हैं लगभग, तो अपन फिर भी एक बार देख लेते हैं। किडनी के द्वारा रेनिन का सीक्रेशन होता है, इरिथ्रोपोएटिन का सीक्रेशन होता है। इरिथ्रोपोएटिन है वो आरबीसी के निर्माण को प्रेरित करता है। रेनिन का काम आपको लिखना है, यहां पर मैं थोड़ा पीछे ले जाऊंगा आपको एनिमल फिजियोलॉजी के जो बाकी काम, तो आपको अगर याद है तो सीधा लिख लेना रेनिन का काम, और नहीं याद है तो अपने पीछे पलटो पन्ने, और पन्ने पलटो और वहां पर देखो रेनिन का क्या काम था। आपको याद हो रहा है तो अपने जब जो आपके हार्ट वाला चैप्टर पढ़ा था तो वहीं पर यह बात आई थी। खैर जो भी है, रेनिन का काम आपको समझना है, किडनी वाले चैप्टर में भी आया था। तो किडनी का ये दो हार्मोन सीक्रेट हो रहे हैं यहां पर, तो किडनी एक अपने आप से एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम कर रहा है, एंडोक्राइन ऑर्गन है ये, तो ये सीक्रेशन करता है। और देखो प्लेसेंटा है, अब इस प्लेसेंटा को यहां पर डिटेल में किसी हार्मोन को पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्लेसेंटा वहां अलग से टॉपिक है अपने यूजी के अंदर, एससीजी ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिक हार्मोन। प्रोजेस्टेरोन हो गया यहां पर, ये वाला प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन पहले भी आया है, कहां आया है याद रखना, कहां आया, पिट्यूटरी ग्लैंड से संबंधित था प्रोलैक्टिन हार्मोन। पिट्यूटरी ग्लैंड के कौन से पार्ट से? एडेनो हाइपोथैलेमस, यहां भी है आपकी प्रोलैक्टिन, पर ये पिट्यूटरी ग्लैंड भी कब निकालेगी? जब हाइपोथैलेमस से मैसेज आएगा। खैर ये सब चीजें आपको यहां पर किस में पढ़नी है? प्लेसेंटा में पढ़नी है। हार्ट के एक चैंबर है एट्रियल वॉल, आलिंद की जो वाल होती है, आलिंद है दोनों, उनकी जो वाल होती है उसके द्वारा एक पेप्टाइड हार्मोन सीक्रेट होता है, एएनएफ, एट्रियल नेट्रोयूरेटिक फैक्टर जिसको बोलते हैं। अगर किसी कारण से बीपी बढ़ जाता है तो बीपी को कम करने का काम करता है, तो जैसे बीपी बढ़ जाता है हार्ट के पास मैसेज आता है, तो हार्ट क्या करता है, इस हार्मोन की सीक्रेशन से ब्लड के जो ब्रेन के द्वारा इस हार्मोन की सीक्रेशन से क्या करवाया जाता है, बीपी को कंट्रोल करवाया जाता है, ठीक है, ये वाली बात हो गई। एलिमेंट्री कैनाल के कई हार्मोन है, इनका मैं एक का भी काम नहीं लिखा रहा आपको, या तो काम पीछे देख लेना है अपने नोट से जो मैंने करवा दिए पहले डाइजेस्टिव सिस्टम वाले चैप्टर में, वरना आप थोड़ा थोड़ा यहीं जगह लिखकर थोड़ा थोड़ा यहीं लिख दो साथ साथ में, खुद लिख लेना। ये गैस्ट्रिन सीक्रेट होता है स्टमक के द्वारा, ड्यूडोनम एलिमेंट्री कैनाल की जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके जो पहला पार्ट है ड्यूडोनम, उसके द्वारा ग्रेनी जिसको बोलते हैं, उसके द्वारा सीक्रेटिन है, पेनक्रियोजाइमिन है, कोलेसिस्टोक्राइनिन है, ड्यूटेरोक्राइनिन है, एंटेरोक्राइनिन है, ये हार्मोन का सीक्रेशन होता है। इन सब के अलग अलग काम आपको पहले लिखवा रखे हैं, बार बार में लिखवाने जरूरत नहीं है, अभी मैं लिखवा रहा हूं कि ये हार्मोन आपके ये अंग है जो हार्मोन सीक्रेशन करते हैं। उत्तक द्रव्य के हार्मोन अधिकतर तो जो अब तक जो पढ़े हैं वो सारे के सारे हार्मोन ब्लड में जाते हैं, और ब्लड में जाकर पर्टिकुलर कार्य को संपन्न करवाते हैं, परंतु कुछ ऐसे भी हार्मोन होते हैं जो टिश्यू फ्लूड है उसके अंदर मिक्स रहते हैं, और उसके अंदर जैसे मान लो न्यूरोट्रांसमीटर है, न्यूरोट्रांसमीटर की भी अपन बात कर चुके, कब अपन ने जब नर्वस सिस्टम वाला चैप्टर पढ़ा था कि नर्व सेल है उसके टिश्यू में न्यूरोट्रांसमीटर भरे रहते हैं, तो जैसे ही कोई नर्व के पास मैसेज आता है, नर्व अगली मैसेज
कैसे देता है? केमिकल सीक्रेशन। वो केमिकल सीक्रेशन क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर है, एसिटाइल कोलिन नाम आया था, डोपामीन है, ये सब क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर की तरह कार्य करते हैं। स्किन ऑयल ग्लैंड, एक आपके पहले आ गया प्रोस्टाग्लैंडिस, ये भी वसीय अम्लों से संबंधित हार्मोन है, वसीय अम्ल का हार्मोन है, मुख्य रूप से किसके द्वारा सीक्रेट होता है? किडनी के द्वारा भी होता है हालांकि, पर मुख्य रूप से शुक्राशय के द्वारा सीक्रेट होता है। इसको अपन पढ़ेंगे जब अपन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। पढ़ने को इन सब चीजों को यह भी पढ़ सकते थे, परंतु यहां पर पढ़ने पर ये इतनी जल्दी याद नहीं होगी जो वहां पर पढ़ने पर याद होगी, क्योंकि उससे संबंधित अपने को वही चीजें पढ़नी है, याद हो जाएगी वहां पर। उसके बाद में स्किन ऑयल ग्लैंड है, स्किन के ऊपर जो ऑयल ग्लैंड है वो विटामिन डी का संश्लेषण भी करती है, जो आपके सनलाइट अल्ट्रावायलेट रेज के द्वारा जो अपने बॉडी में जब सनलाइट आती है, जो धूप में बैठते हैं तो विटामिन डी बनता है, विटामिन डी भी अपने आप में क्या है? ये स्किन ऑयल ग्लैंड के द्वारा सीक्रेट हार्मोन है। ये सारी चीजें आपको थोड़ा सा पेज पे लिख के उनको एक दो बार रीडिंग मार लेनी है, ज्यादा लंबा चौड़ा कुछ नहीं है। अब ये हार्मोन के काम करने की विधि कैसे है, कैसे एक्शन में आता है, क्योंकि अलग अलग नेचर के हार्मोन है, पेप्टाइड नेचर के हार्मोन है, उसके बाद में स्टेरॉइड नेचर के हार्मोन है, अलग अलग नेचर के हार्मोन होने से जो ये किस प्रकार से सेल के अंदर जाकर कैसे अपना रिएक्शन करते हैं, कैसे एक्ट करते हैं, उससे संबंधित एक वीडियो और बनेगा। उसके साथ ये यूनिट आपके चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद अपन अगले चैप्टर के साथ शुरुआत करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।